देखिए कोरोना एंटीबॉडी टेस्टिंग हम बात कर रहे हैं तो इट्स एन IgG एंटीबॉडी अगेंस्ट कोरोना COVID-19 वायरस। तो ये एंटीबॉडी टेस्ट ये बताती है कि आपको पास्ट में कोई कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो चुका है क्या। और रही बात कोरोना वायरस की टेस्ट के, इनमें ना दो टेस्ट आते हैं जो कोरोना वायरस से आप पीरियड है क्या ये बताते हैं। तो एक होता है एंटीजन टेस्ट, एक होता है PCR टेस्ट। कॉमनली भी जो PCR टेस्ट हो रहा है आपको देखते हैं, आपके नेजल स्वैब आपके नाक में से डाल के या मुंह में से डाल के स्वैब लिया जाता है और उसका रिजल्ट्स जो आता है इट में टेक आपके 4-5 घंटे लगते हैं कहीं पे, तो कहीं पे 2 दिन भी लग रहे हैं। और एक टेस्ट है एंटीजन टेस्ट, सैंपल तो सेम तरीके से लिया जाता है और रिजल्ट्स आपको इमीडिएटली 1/2 घंटे में पता चल जाते हैं। ये दोनों टेस्ट आपको बताएंगे क्या अभी आपको कोरोना है क्या। लेकिन जो एंटीबॉडी टेस्ट है वो आपको ये बताती है कि क्या पास्ट में पहले कभी आपको एक्सपोजर हुआ था क्या, या कोरोना वायरस से कुछ आपको बीमारी हुई थी क्या, वो आपको बताएगी। देखिए एंटीबॉडी टेस्ट के लिए सैंपल लेना बहुत सिंपल है, जैसे हम नॉर्मली ब्लड सैंपल्स देते हैं लैब में कोई भी टेस्ट कराने के लिए, वैसे ही सैंपल ब्लड सैंपल टेस्ट लिया जाएगा आपका, नथिंग एल्स, बहुत सिंपल सा तरीका है इसका। आपका क्वेश्चन है कि क्या एंटीबॉडी टेस्टिंग करने के क्या फ़ायदे हैं। सी एंटीबॉडी टेस्टिंग कराने के बाद आपके पास रिजल्ट्स जो आएंगे आपके दो तरीके से आएंगे, या तो आप पॉजिटिव आए हैं या तो आप नेगेटिव आए हैं। अगर आप पॉजिटिव आए हैं तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है आपको ये पता चल गया कि मुझे कोरोना वायरस हो चुका था और आज एंटीबॉडी बन गई है, तो ऑटोमेटिकली यू आर एट लेसर रिस्क देन द अदर पॉपुलेशन, यानी बाकियों से आपको लेस रिस्क है कि वापस री इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। सेकेंड है कि आप अगर एंटीबॉडी आपके लेवल अच्छी हैं तो आप एज अ प्लाज्मा डोनर बन सकते हैं, जो बाकी पेशेंट्स जो आज कोरोना से पीड़ित हैं, जो ICU में एडमिट हैं, जो सीरियस हैं, जिनको प्लाज्मा की ज़रूरत है, उनको आप डोनेट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है इसके लिए। सेकेंड, अगर आप निगेटिव आती है रिपोर्ट तो पहला तो यही बनता है कि आप में कोरोना इन्फेक्शन नहीं हुआ था, तो डेट मीन्स आपने जो प्रिकॉशंस लिए हैं वो बहुत अच्छे से लिए हैं, तो आप प्लीज़ वो मेंटेन रखें, आपके प्रिकॉशंस काम कर रहे हैं, आप जो मास्क पहन रहे हो, जो हैंड सैनिटाइज कर रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हो, दैट्स वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, आप अच्छे से मेंटेन रखें, सेम यू फॉर यू फॉर योर फैमिली। सेकेंड, इफ इन केस आपको लगता है कि आप एक्सपोज हुए कोई कोरोना पेशेंट के साथ, या तो आपको कोई सिम्टम्स आए थे जो कोरोना वायरस में जैसे आ रहे हैं डिजीज़ में, या तो आपको लगता है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ था, ट्रीटमेंट भी लिया है, फिर भी एंटीबॉडी मेरी नेगेटिव आ रही है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप वो रिपीट करें टेस्ट, आप 15 दिन बाद 10 दिन बाद फिर करें, क्योंकि एंटीबॉडी लेवल्स वेरी कर रही हैं, कभी किसी में जल्दी आ रही है, कभी किसी में लेट आ रही है। एंटीबॉडी टेस्ट एक्चुअली बनाई गई है जो पेशेंट रिकवर हो गए उनमें चेक करने के लिए कि एंटीबॉडी बन गई है कि नहीं। तो जो अभी रिकवर हो गए हैं वो पेशेंट हमारे लिए एज अ प्लाज्मा डोनर बन सकते हैं और वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, हमारे पास सारी ब्लड बैंक्स में फैसिलिटी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दी है। और गवर्नमेंट ये कहती है एज अ सीरो सर्वे, ये पता करने के लिए कि भाई कहाँ कहाँ असिम्प्टोमेटिक पॉपुलेशन में भी कोरोना वायरस फैल चुका है, तो ये चेक करने के लिए एज अ सीरो सर्वे गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, लाइक पुलिस पर्सनल्स हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, प्रेस के जो हमारे मीडिया पर्सनल्स हैं, और लार्ज मार्केट्स जैसे वहाँ फार्मर्स जा रहे हैं, शॉप्स में, मॉल्स में, जहाँ इतनी सारी भीड़ एक साथ जमा हुई है, तो इनको चेक करने के लिए एंटीबॉडी टेस्टिंग ही काम की है, क्या असिम्प्टोमेटिकली किसी को हो गया है क्या लार्ज पॉपुलेशन में। देखिए अभी तक के जो रिसर्च पेपर्स आए हैं और जो स्टडीज हुई हैं और अभी तक के जो नॉलेज हमें गेन हुआ है कोरोना का, एक बार एंटीबॉडी बनने के बाद ये आप ये पूछ रहे हैं कि एंटीबॉडी बनने के बाद क्या री इन्फेक्शन, मुझे वापस कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो सकता है क्या, मैं अभी ये कहूँगा कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अभी ये कहना वेरी डिफिकल्ट है अभी की रिसर्च के हिसाब से। सी अभी कोरोना वायरस के इस सिचुएशन में रोज़ एक नई रिसर्च आ रही है, तो बट अभी की स्टेज में मैं कहूँगा आपको अपने प्रिकॉशंस मेंटेन करना है एक बार पॉजिटिव आने के बावजूद भी, क्योंकि री इन्फेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम नहीं कह सकते इसके बारे में क्लियर।